सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। जो हमारा इम्यूनिटी के ऊपर टॉपिक है बेटा, उसका ये थर्ड वीडियो है। मैं इसके पहले प्रीवियस में दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि हम इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे हैं, और हमारा अभी इननेट इम्यूनिटी की सीरीज चल रही है। इसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, और ये आपका समझना जरूरी है। इम्यूनिटी के बारे में पूरा लेक्चर, सब पूरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से सिक्वेंस वाइज देखिएगा। बीच में से कुछ भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ भी कोई भी पॉइंट उठा के देखोगे और एकदम से समझ में नहीं आएगा ना। पूरा स्टार्टिंग से देखो और फिर समझ में चीज़ें आएंगी। तो अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म देख रहे हैं, जिसमें कि हमने पहला पॉइंट देखा था एपिथेलियल सर्फेसिस के बारे में, और उसके हमने चीज़ें समझी थी, जिसमें कि हमने इसमें कंजक्टिविटा के बारे में देखा था, हमने जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में देखा था, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन, इस तरीके की चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी है, उसका जो सेकेंड जो पॉइंट है वो है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अलावा देर आर मैनी नंबर ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज। और एंटी स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे और भी नॉन स्पेसिफिक तरीके के भी एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेज प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्लड में और टिश्यूज में। उन सब्सटेंसेस को प्रोपरडिन, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है प्रोपरडिन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लाइसोजम होते हैं, बीटा लाइसिन होते हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिसमें कि ल्यूकिन्स होता है, फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स से आता है ये, प्लेकिन्स होता है फ्रॉम प्लेटिलेट्स। इस तरीके की चीज़ें हमारे ब्लड में और टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। हमारे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अलावा भी एक नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होकर एज अ इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करते हैं, एंड इंटरफेरॉन्स विच पोजेसेस एंटीवायरल एक्टिविटी। और इंटरफेरॉन्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं, और इस तरीके से उनके खिलाफ लड़ने में ये एक्ट करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दैट इन्वेड द ब्लड एंड टिश्यूज, जो कि क्या करते हैं ब्लड में और ब्लड टिश्यूज में घुसने की और कोशिश करते हैं, ख़राब करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को। क्या करता है हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय करता है उन तरीके के पैथोजेंस को। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें सेलुलर फैक्टर्स। अब सेलुलर फैक्टर्स भी होते हैं इसमें मैकेनिज्म में, इननेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म में। उसमें क्या होता है, वंस द इन्फेक्टिव एजेंट हैज़ क्रॉस्ड द बैरियर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, अगर एक बार जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्रॉस कर जाए एपिथेलियल सर्फेस की बैरियर को, वॉल को अगर क्रॉस करके अंदर आ जाए, द टिश्यू फैक्टर कम इन टू प्ले फॉर डिफेंस। टिश्यू फैक्टर है हमारी बॉडी का, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम भी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है एक्टिव हो जाता है और अपना प्ले करने के लिए रोल में। व्हेन एन एक्टिव एजेंट इन्वेड्स टिश्यू, जैसे ही कोई एक्टिव एंटीजन कोई भी एजेंट बाहर से हमारी बॉडी में आता है और हमारे टिश्यूज में घुसने की कोशिश करता है, ख़राब करने की कोशिश करता है, उसमें क्या होता है एन एक्सुडेटिव इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑकर्स। एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, और उससे क्या होता है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फैगोसाइट्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पे एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराकर हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे फैगोसाइट्स हैं उसका डिपोजिशन करना चालू कर देता है ऑफ इन्फेक्शन एंड डिपोजिशन, और उस साइट पे एक्यूमुलेशन ऑफ फैगोसाइट्स एट द साइट पे उसका एक्यूमुलेशन करता है, वहाँ पर बढ़ाता है ऑफ इन्फेक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन विच इंटेंगल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या करता है फिब्रिन का, क्या करता है वहाँ पे डिपोजिशन करता है, फिब्रिन क्या करता है इंटेंगल कर देता है, फंसा लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पे शिकंजा कस लेता है। उससे क्या होता है टू एक्ट एज अ बैरियर टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये करता है एक बैरियर के जैसे एक्ट करता है, टू एक्ट एज अ बैरियर टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और बैरियर के जैसे एक्ट करता है इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में ये मदद करता है। फैगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट दिस ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्ट्रॉय देम, और जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं इंजेस्ट कर लेते हैं यानी कि पचा लेते हैं, खा लेते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से हमारे इम्यूनिट जो इननेट मैकेनिज्म है हमारे इम्यूनिटी का वो एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
दैस फैगोसाइटिक सेल्स आर क्लासिफाइड एज, और उन जो फैगोसाइटिक सेल्स को दो तरीके से क्लासिफिकेशन है उसका, पहला है माइक्रोफेजेस और दूसरा है मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस का एग्जांपल है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो कि न्यूट्रोफिल है उसका एग्जांपल, और मैक्रोफेज जो है उसका एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि इसके एग्जांपल है। अब हम देखेंगे फैगोसाइटिक एक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस। अब जो फैगोसाइटिक जो हमारा सिस्टम होता है वो चार तरीके के स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। हमने एंटीबैक्टीरियल देखा, सब्सटेंसेस देखा, उसके बाद हमने सेलुलर फैक्टर्स देखा, उसके बाद हमने फैगोसाइटिक सिस्टम के बारे में देखा। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है फैगोसाइटिक एक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस, और जो फैगोसाइटिक सिस्टम है वो चार स्टेजेस में डिवाइडेड है। उन चार स्टेजेस को हम समझेंगे। पहला है कीमोटैक्सिस। जो कीमोटैक्सिस होता है उसमें क्या होता है, फैगोसाइट्स रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन अट्रैक्टेड बाय कीमोस्टैटिक सब्सटेंसेस। जो फैगोसाइट होते हैं रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन की साइट पर पहुंच जाते हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन अट्रैक्टेड बाय कीमोस्टैटिक सब्सटेंस, और किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, कीमोस्टैटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके द्वारा वो अट्रैक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको जब ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाया था, ट्यूबरक्लोसिस की पैथोजेनेसिस पढ़ाया था, उसमें कीमोटैक्सिस के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हो। जिन्हें मेरा वो वीडियो नहीं देखा आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखिए, ठीक है। अटैचमेंट, इन्फेक्टिव एजेंट गेट्स अटैच्ड टू फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो ही फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। तीसरा इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, फैगोसाइटिक इनगल्फ्स द इन्फेक्टिव मटेरियल इनटू अ वैक्यूल फैगोसोम। और जो इसमें क्या होता है, फैगोसाइट इनगल्फ्स यानी खा लेना, इनगल्फ कर लेना द इन्फेक्टिव मटेरियल को इनटू अ वैक्यूल फैगोसोम। वैक्यूल जो होता है, जो कि फैगोसोम भी कहलाता है, उसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है इन्फेक्शियस मटेरियल को। द मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसोम्स फ्यूजेस विद अ लाइसोसोम टू फॉर्म अ फैगोलाइसोसोम। और फिर क्या होता है, फैगोसोम लाइसोसोम से मिक्स होता है और फैगोलाइसोसोम एक मटेरियल बनाता है और ट्रैप कर लेता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फैगोसाइटिक एक्शन देख रहे हैं जो कि डिवाइडेड है चार तरीके से, उसमें हमने कीमोटैक्सिस देखा, अटैचमेंट देखा, इंजेशन देखा, और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है इंट्रासेलुलर किलिंग। इसमें क्या होता है, मोस्ट बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड इन द फैगोलाइसोसोम। अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं काय में, फैगोलाइसोसोम के द्वारा, बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। मोस्ट बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड इन द फैगोलाइसोसोम्स बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है लाइसोसोम उसके द्वारा क्या होते हैं, अधिकतर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं जो फैगोसोम और लाइसोसोम के मिक्सचर होने के कारण। हाउएवर सम बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और ट्यूबरकुलोसिस एम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ये करते हैं जो लाइसोसोम और फैगोसोम वाले जो उसको क्या रजिस्ट करते हैं और उसके उससे क्या होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो हमारा फैगोसाइटिक सिस्टम है माइकोबैक्टीरियम जैसे एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है, है ना। रजिस्ट दिस टाइप ऑफ किलिंग एंड कैन मल्टीप्लाई विद इन फैगोलाइसोसोम एंड थस प्रोड्यूस डिसीजेस। और ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हुआ किसी भी डिसीजेस का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फेक्शन हुआ आपको किसी भी डिसीज का, ठीक है, किसी भी डिसीज का कोई भी बैक्टीरिया आया आपकी बॉडी में, ठीक है, वहाँ पे जिस पर्टिकुलर जगह पे वो गया वहाँ का जो उस एरिया का जो फैगोसाइटिक सिस्टम है उसे लड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वो जब लड़ नहीं पाएगा तो ऐसे केमिकल रिस्पॉन्सेस सीक्रेट करेगा जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस सिस्टम क्या करेगा, आपका जो वहाँ पे ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स से माइक्रो जो फैगोसिस माइक्रोफेजेस है उनको लेकर आएगा लड़ने के लिए, ठीक है। वो भी लड़ेंगे, फिर क्या होगा, जो वहाँ पे फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे उनका अटैचमेंट होगा, वहाँ पे आके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक जाएंगे, फिर इंजेशन होगा, फैगोसाइट सिस्टम क्या करेगा उसको इंजेस्ट कर लेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, पहला कीमोटैक्सिस डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो डिफेंस नहीं कर पाया तो कीमोटैक्सिस क्या करता है, ब्लड में से लेकर आता है और एंटीबॉडीज को फिर अटैचमेंट करवा देता है, वहाँ पे चिपका देता है, उसके बाद क्या करता है, इंजेशन कर देता है, यानी जो फैगोसाइट सिस्टम है फैगोसाइट क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं उसको, और इनगल्फ करने के बाद लाइसोसोम और फैगोसोम क्या करता है, ट्रैप कर देते हैं, एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जिससे बैक्टीरिया अब उस सर्कल से बाहर नहीं जा पाएगा। पर यहाँ पे इंटरसेलुलर सिस्टम में क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, उसको जब ट्रैप कर लेता है बैक्टीरिया को, पर एक बैक्टीरिया पे ये
चीज़ नहीं रजिस्ट नहीं कर पाता, अपना हुकूमत नहीं चला पाता है, किस पे? ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे, क्योंकि जब ये फैगोसाइट जो सिस्टम है जो कि घेरा बना लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, उसको निकल नहीं दे रहा है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इस घेरे के अंदर ही ग्रो करने लग जाता है, और उसको हम गॉन फोगस या गेशियस नेक्रोसिस भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना। जो गॉन फोगस और गेशियस नेक्रोसिस सिस्टम बना लेता है, कौन बना लेता है? एम ट्यूबरक्लोसिस कायमे फैगोलाइसिस जोन के अंदर ही बना के क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। और जब सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, फिर से जब ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है, तब ये क्या करते हैं, अंदर के जो बैक्टीरिया, दूसरे बाहर से जो बैक्टीरिया आया और अंदर बैक्टीरिया करता है उसको एक्टिव कर देता है, और फिर ये हमारी बॉडी से निकल के क्या करता है, पूरी जगह पे इन्फेक्शन कॉज करता है। फैगोसाइटोसिस इन सच इंटेंसिस में एक्चुअली हेल्प टू डिसेमिनेट इन्फेक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फैगोसाइटोसिस क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसा सिस्टम है जो डिसेमिनेट करता है इन्फेक्शन को दूसरे पार्ट में बॉडी के फैलने से, क्या करता है फैगोसाइटिस सिस्टम हमारा बचाता है, यानी वहाँ पे वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने से क्या होता है, वो दूसरे एरिया में वो बॉडी के नहीं फैल पाता है। अ क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड नेचुरल किलर्स एनके सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। और जो क्लास है हमारी लिम्फोसाइट्स की, जिनको एनके सेल्स भी बोला जाता है, नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस करने के लिए अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर चीज़ों पर, ये क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके के हमने पॉइंट्स देखे इसमें, हमारा हम क्या देख रहे हैं इसमें, मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी देख रहे हैं। इननेट इम्यूनिटी में हमने पहले वाले वीडियो में एपिथेलियल सर्फेसेस के बारे में देखा, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल, कंजक्टिविटा, और फिर हमने एंटी बैक्टीरियल देखा इस वीडियो में सब्सटेंस, सेलुलर फैक्टर्स के बारे में देखा, फिर फैगोसाइटिक सिस्टम कैसे, क्या क्लासिफिकेशन है वो देखा, फैगोसाइटिक सिस्टम किस चार स्टेजेस में एक्ट करता है वो चारों स्टेजेस को समझा इस वीडियो में। अब आने वाले वीडियो में हमारे और भी जो पॉइंट इसके बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे, और इस तरीके से हमारा हम जो इननेट इम्यूनिटी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।